हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फार्मा का ये थर्ड लेक्चर होने वाला, जिसमें हम जो है कोलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कोलिनर्जिक एजेंट्स का जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन डायरेक्ट भी पूछ लेता है और इनडायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पैरा सिंपैथो मेमैट्स भी इसको बोलते हैं, इसके बाद जो है कोलिनो मेमैट्स भी इसको जो है बोलते हैं, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्लासिफिकेशन से ही जो है क्वेश्चंस ये पूछ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम इसका पूरा पढ़ेंगे जो है, और इसको समझने का भी प्रयास करेंगे, कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे। इस ट्रिक्स के हिसाब से जो है आप जो है इस ड्रग को याद रख सकते हैं, जितनी आपके सामने से ये ड्रग्स गुजरेंगे जो है। तो ये होते हैं कोलिनर्जिक एजेंट्स जो होते हैं, वो जो होते हैं कोलिनर्जिक जो है एगोनिस्ट होते हैं, कुछ एगोनिस्ट होते हैं। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो जो है एंटागोनिस्ट भी होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, एगोनिस्ट होते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो होते हैं, कुछ होते हैं डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, कुछ होते हैं जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट एक्टिंग देख लेते हैं, डायरेक्ट जो कि डायरेक्टली एक्ट करते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग। इसके बाद जो होते हैं उनका इफेक्ट जो होता है, कुछ होते हैं जो है इनडायरेक्टली एक्टिंग करते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग करते हैं। कुछ क्या होते हैं डायरेक्टली एक्टिंग करते हैं, कुछ होते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग करते हैं। जो इनडायरेक्टली एक्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं जो एंटी कोलिन स्ट्रेस, एंटी कोलिनर्जिक स्ट्रेस जो है इनको जो है बोलते हैं एंटी कोलिन स्टर्स भी जो है इनको बोला जाता है जो इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो जो डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जो डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं ये फिर जो है फर्दर दो सब क्लासिफिकेशन में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं कोलिन स्टर्स होते हैं, कोलिन स्टर्स होते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो है इससे पूछ लेते हैं। तो एक होते हैं कोलिन स्टर्स होते हैं, कोलिन जो है स्टर्स होते हैं, कोलिन स्टर्स होते हैं। दूसरे क्या होते हैं एल्कोलाइड्स होते हैं, ALKALOIDS एल्कोलाइड्स जो है दूसरे होते हैं, क्या होते हैं ये एल्कोलाइड्स होते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्टिंग का जो पार्ट है इसमें भी होता है रिवर्सिबल होता है, एक होता है इरिवर्सिबल। अभी इसके बाद जो इरिवर्सिबल होता उसमें भी होता कार्बामेट्स नॉन कार्बामेट्स, इसके बाद जो है रिवर्सिबल में भी होता कार्बामेट्स नॉन कार्बामेट्स। ये चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और एक एक चीज़ इस वीडियो में जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो कोलिन इस्टर्स होते हैं इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है ABC। ए से ड्रग का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन है, ACETYL CHOLIN। इसके अंदर क्या आती है एसिटाइल कोलिन आते हैं। इसके बाद आता है बी से क्या हो गया, ए से हो गया एसिटाइल कोलिन, बी से क्या हो गया बी बेथा BETHA NECHOL बेथा निकाल हो गया। इसके बाद जो आता है सी से क्या हो गया, जो है कार्बाकॉल हो गया, CARBACHOL कार्बाकॉल हो गया। तो ए बी सी जो आता है वो कोलिन ईस्टर्स के अंदर आता है, ऐसे आप याद रख लेंगे। इसके बाद जो एल्कोलाइड्स के अंदर आते हैं ये आते हैं पीएम, आपको पता होगा प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पे जो आएगा पीलोकार्पिन आएगा, इसके बाद जो है मस्क्राइन आएगा। मस्क्राइन आपने कल पढ़ा होगा M1 M2 M3 M4 M5। सीएनएस जो होता है वो M1 के अंदर होता है, M4 M5 काम करता है। इसके बाद जो है NN जो है यहाँ पे सीनस के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो एल्कोलाइड्स के अंदर क्या आएगा, एल्कोलाइड्स के अंदर आएगा पीलोकार्पिन आएगा, PLO CARPINE पीलोकार्पिन आएगा। इसके बाद क्या आएगा, एम से आएगा मस्क्राइन आएगा, MUSCARINE। तो पीलोकार्पिन इसके बाद मस्क्राइन जो है ये किसके अंदर आएंगे, ये एल्कोलाइड्स के अंदर आएंगे, जो कि डायरेक्ट एक्टिंग है, ये पार्ट है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का। इसके बाद ए बी सी जो आएगा एक कोलिन इस्टर्स का पार्ट है, डायरेक्ट एक्टिंग ये भी है, इसके बाद जो ये भी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में भी दो होते हैं हमने बताया, एक होता है रिवर्सिबल होता है,
इनडायरेक्ट एक्टिंग में भी दो होते हैं, एक होता है जो है रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, दूसरा होगा रिवर्सिबल होगा। तो रिवर्सिबल होता है, डायरेक्ट एक्टिंग में भी एक रिवर्सिबल होगा, इसके बाद होगा एक जो है वो होगा इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल। तो जो रिवर्सिबल होते हैं उसमें भी दो होता है, एक कार्बामेट्स आ जाते हैं, रिवर्सिबल में दो होते हैं, एक कार्बामेट्स आएंगे, एक आएंगे नॉन कार्बामेट्स, कार्बामेट्स आएंगे, रिवर्सिबल के अंदर क्या आएगा, कार्बामेट्स, कार्बामेट्स आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आएगा जो है वो आएगा नॉन कार्बामेट्स आ जाएंगे, नॉन कार्बामेट्स के अंदर भी कुछ ड्रग पाई जाती, नॉन कार्बामेट्स आ जाएंगे। तो जो कार्बामेट्स के अंदर जो होते हैं, इसके अंदर जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा नियोस्टिगमाइन, ऐसे आप याद रखेंगे, नियो नियोस्टिगमाइन, NEOSTIGMINE। पहला हो गया नियोस्टिगमाइन हो गया, दूसरा हो गया जो है फाइसोस्टिगमाइन हो गया, PHYSOSTIGMINE, PHYSOSTIGMINE फाइसोस्टिगमाइन हो गया। इसके बाद जो होगा वो होगा पाइरिडोस्टिगमाइन हो गया। ये आपको चीज़ें याद रखनी ही रखनी पड़ेंगी, इसका कोई और सप्लीमेंट नहीं है, इसको याद करना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और शॉर्ट ट्रिक इसकी है ही नहीं। एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, बार बार पढ़ने से आप जब इसको मन में गुनगुनाएंगे तभी जो है ये चीज़ें जो है याद होंगी। तो तीसरा है पाइरिडो स्टिगमाइन है, लास्ट के अभी हम दो मिनट में आपको ये चीज़ें को रिवाइज करेंगे। इसके बाद जो चौथा आएगा, दूसरा हो गया फाइसोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन, फाइसोस्टिगमाइन, पाइरिडोस्टिगमाइन, इसके बाद चौथा जो हो गया वो हो गया रिवास्टिगमाइन, रिवा STIGMINE। तो ये हो गया रिवास्टिगमाइन हो गया। इसके बाद नॉन कार्बामेट्स के अंदर आ जाएगा डोनीपिजिल आ जाएगा, ग्लेंटामाइन आ जाएगा, इसके बाद टैक्रीन आ जाएगा, इसके बाद जो आता है फोर्थ नंबर, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा डोनीपिजिल आ जाएगा, सेकंड नंबर पर आ जाएगा जो है ड्रग आती है वो आती है ग्लेंटामाइन आ जाएगा, थर्ड नंबर पर आ जाएगा टैक्रीन आ जाएगा, इसके बाद जो आता है नॉन कार्बामेट्स के अंदर आ जाता है वो आता है इंड्रोफोनियम, PHONIUM, इंड्रोफोरियम जो आ जाता है, इंड्रोफोनियम जो आता है वो आता है नॉन कार्बामेट्स। तो कार्बामेट्स के अंदर नियोस्टिगमाइन, फाइसोस्टिगमाइन, पाइरिडोस्टिगमाइन, इसके बाद रिवास्टिगमाइन आ जाएगा, इसके बाद नॉन कार्बामेट्स के अंदर जाएगा डोनीपिजिल आ जाएगा, ग्लेक्टामाइन आ जाएगा, इसके बाद टैक्रीन आ जाएगा, इसके बाद जो है इंड्रोफोनियम आ जाएगा, इसके बाद फिर आता है जो है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल ये बात रही जो है रिवर्सिबल की, ये बात रही रिवर्सिबल की, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल के अंदर आएंगे जो है, ये रिवर्सिबल के अंदर आएगा, ये चीज़ रिवर्सिबल के अंदर आएगी। कार्बामेट्स, नॉन कार्बामेट्स का जो एग्जांपल हमने दिया रिवास्टिगमाइन, फाइसोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन जो है, इसके बाद रिवास्टिगमाइन, ये रिवर्सिबल के अंदर है, इसके बाद नॉन कार्बामेट्स भी इसके रिवर्सिबल के अंदर है, डोनीपिजिल आ जाएगा, ग्लेक्टामाइन आ जाएगा, टैक्रीन आ जाएगा, इसके बाद जो है इंड्रोफोनियम आ जाएगा। इसके बाद आता है इरिवर्सिबल, ये है इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल के अंदर भी ड्रग आ जाएगी, वो आ जाएगी जो है कार्बामेट्स, नॉन कार्बामेट्स, कार्बामेट्स जो है और नॉन कार्बामेट्स जो है ये भी आ जाएगी, वो आ जाएगी जो है इरिवर्सिबल के अंदर ड्रग आ जाएगी। पहला होगा नॉन कार्बामेट्स आ जाएंगे जो है कार्बामेट्स आ जाएंगे, इसके बाद जो है नॉन कार्बामेट्स आ जाएंगे। तो इरिवर्सिबल के अंदर जो ड्रग आएगी जो है IRERVERSIBLE, इरिवर्सिबल के अंदर कार्बामेट्स, नॉन कार्बामेट्स आएंगे। तो कार्बामेट्स के अंदर जो आएगा वो आ जाएगा जो है प्रोपॉक्सर आ जाएगा, PROPOXUR, प्रोपॉक्सर आ जाएगा, इसके बाद आएगा जो है कार्बारिल आ जाएगा, कार्बारिल आ जाएगा। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं पीसी से, प्रोपॉक्सर और कार्बारिल जो है आ जाएगा कार्बामेट्स के अंदर जो कि इरिवर्सिबल है। इसके बाद जो है ये इनडायरेक्टली एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग है, जो इसका काम जो है इनडायरेक्ट होता है। इसके बाद
मतलब ये डायरेक्ट काम नहीं करती है, इनडायरेक्ट काम करती है चीज़ें, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आ जाएगा नॉन कार्बामेट्स। नॉन कार्बामेट्स के अंदर जो आते हैं, पैराथियन आता है, मैलाथियन आता है, मैलाथियन आता है, ये आपने जो है ड्रग का नाम सुना ही होगा। इसके बाद सेरीन आता है, इसके बाद फिर आता जो है डाइफ्लॉस आता है, DYFLOS, DYFLOS डाइफ्लॉस आता है, ये जो ड्रग होती है जो है। इसके बाद एक और आप नाम याद कर लेंगे जो है इन इको थियोफेट, PHATE, इको थियोफेट जो है इसके अंदर आ जाता है। एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो जो ड्रग जो कोलिनर्जिक एजेंट्स हैं, यही हम सिर्फ देख रहे हैं, कोलिनर्जिक एजेंट्स इनको जो है कोलिनोमैट्स भी होते हैं, इसके बाद पैरासिम्पैथोमैट्स भी बोलते हैं। इनका क्लासिफिकेशन हम बेसिकली देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देख रहे हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, इसके बाद जो होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग होता है। डायरेक्ट एक्टिंग आपको पता है डायरेक्ट काम ये करेगा जो है सेल टिश्यू पे, इसके बाद जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है इनडायरेक्टली ये काम करेगा हमारे जो है फंक्शन पे। इसके बाद जो डायरेक्ट एक्टिंग होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलिन इस्टर होता है, दूसरा होता है जो है एल्कलॉइड्स होता है। एल्कलॉइड्स के अंदर जो है पीएम आते हैं, पीएम बोले तो जो है पीलोकार्पिन, इसके बाद मस्कराइन। पीलोकार्पिन इसके बाद जो होता है मस्कराइन होता है। इसके बाद कोलिन इस्टर्स के अंदर आते हैं जो है वो आता है ABC, एसिटाइल कोलिन आता है। एल्कलॉइड्स के अंदर आ जाएगा आपको पता है पीएम आ जाएगा, पीलोकार्पिन और मस्कराइन जो है एल्कलॉइड्स के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल होता है, एक होता है रिवर्सिबल, ये पार्ट हो गया रिवर्सिबल का हो गया REVERSIBLE, एक होता है रिवर्सिबल होता है, इसके बाद दूसरा होता है वो नॉन रिवर्सिबल होता है जो है या इरिवर्सिबल होता है। तो ये हो गया इरिवर्सिबल हो गया, ये हो गया रिवर्सिबल हो गया। तो रिवर्सिबल जो होता है रिवर्सिबल दो प्रकार के होते हैं, कार्बामेट्स होते हैं, एक होता है नॉन कार्बामेट्स। इरिवर्सिबल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बामेट्स होता है, दूसरा होता है नॉन कार्बामेट्स होता है। कार्बामेट्स के अंदर आ जाएगा नियोस्टिग्माइन आ जाएगा, नियोस्टिग्माइन फाइसोस्टिग्माइन आपको सिर्फ स्टार्टिंग के टर्म याद रखेंगे, बाकी पीछे देखेंगे सिमिलर होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर के अंदर लोल लोल करके ऐसी चीज़ें सफिक्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने सफिक्स को थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो एग्जाम में याद करने के लिए आसानी हो जाती है। तो नियोस्टिग्माइन हो गया, फाइसोस्टिग्माइन हो गया, पायरिडोस्टिग्माइन हो गया, पायरिडोस्टिग्माइन हो गया, इसके बाद रिवास्टिग्माइन हो गया। तो ये चीज़ें हो गई कार्बामेट्स के अंदर। नॉन कार्बामेट्स के अंदर आ जाएगा डोनीपिजिल आ जाएगा, ग्लेंटामाइन आ जाएगा, डोनीपिजिल आ जाएगा, PZIL, ग्लेंटामाइन आ जाएगा, इसके बाद टैक्रीन आ जाएगा, इसके बाद जो है इंड्रोफोनियम आ जाएगा। इसके बाद इरिवर्सिबल के अंदर भी दो होते हैं, कार्बामेट्स होता है, नॉन कार्बामेट्स होता है। इरिवर्सिबल के भी अंदर दो होते हैं, कार्बामेट्स होता है, नॉन कार्बामेट्स होता है। कार्बामेट्स के अंदर आ जाएगा प्रोपॉक्सर आ जाएगा, इसके बाद जो है कार्बारिल आ जाएगा, कार्बारिल आ जाएगा कार्बामेट्स के अंदर जो कि इरिवर्सिबल है। ये पीसी बोले तो प्रोपॉक्सर कार्बारिल। इसके बाद नॉन कार्बामेट्स के अंदर आते हैं पैराथियन मैलाथियन आपने सुना ही होगा, सेरिन आप याद रखेंगे, डिसफ्लॉक्स आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है इको थियोफेट जो है ये आ जाता है, इको थियोफेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा इरिवर्सिबल के अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासिफिकेशन है जो कि एग्जाम्स में पूछा ही पूछा जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा ये जो है इम्पॉर्टेंट है ही, ये चीज़ आपको याद करनी ही पड़ेगी जो है, चाहे जैसे याद करें आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको जो है रटना ही पड़ेगा, रट्टा मारे कुछ भी करें। फार्मा में अगर आप की मेमोरी ठीक है तो आराम से ये चीज़ें जो है रिकॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।